आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, रखिए आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, मैं हूं आपके साथ अंजलि। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। 5 दिसंबर को पिथौरागढ़ के बस स्टैंड के समीप टनकपुर के वार्ड नंबर 5 नई बस्ती निवासी अशोक कश्यप 38 वर्षीय पुत्र अनिल कश्यप को वाहन UK 03-4606 ने टक्कर मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया था। पिथौरागढ़ जिला अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद उसे STH रेफर किया। STH में स्थिति न सुधरने के बाद बरेली के राममूर्ति अस्पताल में रेफर किया, जहां 22 दिन बाद उपचार करने के बावजूद अशोक की हालत स्थिर नहीं हुई। रविवार को उसे घर वार्ड 5 टनकपुर लाया गया, जहां सोमवार को शाम उसकी तबीयत अचानक खराब हुई और एम्बुलेंस से अस्पताल लाते समय उसने दम तोड़ दिया। मंगलवार को पुलिस ने पंचनामा भर पोस्टमार्टम करके सौ परिजनों को सौंप दिया है। मृतक के भाई अजय कश्यप ने बताया कि फिलहाल भाई का उपचार कराने में व्यस्त रहने के कारण वो मुकदमा नहीं दर्ज करा पाए, लेकिन वह अब पिथौरागढ़ में वाहन चालकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराएंगे। वहीं दुर्घटना में घायल दूसरे व्यक्ति रोहित का अभी उपचार चल रहा है और उसकी हालत भी गंभीर बताई जा रही है। आपको बता दें, मृतक अशोक कश्यप घायल रोहित टैक्सी चालक हैं। वह अक्सर टैक्सी लेकर पिथौरागढ़ जाया करते थे। वहीं 5 दिसंबर को वह पैदल खाना खाने के लिए होटल जा रहे थे, तभी अचानक एक टैक्सी वाहन ने तेजी से आकर उन्हें टक्कर मारकर घायल कर दिया था, जिसमें अब एक की मौत हो गई है। मृतक और घायल व्यक्ति के घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। अशोक कश्यप अपने पीछे पत्नी छोटे मासूम बच्चों को छोड़ गए हैं। न्यूज 9 भारत के लिए पार्वती देवी की रिपोर्ट। सर, हम गाड़ी लेके गए थे टनकपुर से, 4-5 ड्राइवर हम पहुँचे थे डायरेक्ट, और क्या कहते हैं, खाना खाने के लिए हम अपनी गाड़ी खड़ी करके वहाँ चढ़ा के खड़े थे साइड में खाने के लिए होटल। तो वहाँ पे उसके बाद एक गाड़ी आती है, बहुत वो नशे में पूरा सेट था और स्टेयरिंग में सोया हुआ था वो। अब बस हमें बस इतना ही मौका मिला, कहने का भी मौका नहीं मिल पाया कि भागो करके उसने सीधे आके उड़ा ही दिया हमें। उसके बाद हम वहाँ बहुत देर तक चिल्लाते रहे, कोई हमारी हेल्प करने नहीं आया। और उसके बाद फिर क्या कहते हैं, हमने अपनी गाड़ी में उनको डाला, जैसे तैसे अपनी बुलाई गाड़ियाँ अपनी गाड़ियों में डाल के हमने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पहुँचाया उन्हें। की भी हालत नाजुकी है, और बस यह आवाज़ यह है कि गरीब होने के कारण हम पे इतनी मार पड़ी है। वहाँ से भी उस मालिक ने भी कोई सहायता नहीं करी है, जिसकी वजह से बहुत परेशानी हुई है। अगर शायद वो वहाँ से कुछ हेल्प करते, हम कोई मदद करते तो शायद हमारा भाई बच जाता। अगर उनके उनसे हमने बहुत कहा, रिक्वेस्ट करी, बस उनने फ़ोन बंद कर दिया। और एक बार 10-20 हज़ार रुपये दिए, बस फ़ोन बंद करके कोई हेल्प मदद नहीं करी। अब यही है कि पैसे के आवाज़ से गरीब होने के कारण हमारे भाई के साथ इतना बड़ा कांड हो गया। अगर पैसे वाले होते तो शायद ऐसा नहीं होता, और वहाँ से मदद ना मिलने के कारण हमारा भाई चले गया। और हम चाहते हैं कि पूरी कार्रवाई होनी चाहिए, हमारे भाई को इंसाफ मिलना चाहिए। मेरा नाम शुभम। अभी इनको यहाँ पोस्टमार्टम कराने के लिए लेके आए हैं, करके कि हमारे भाई को मतलब पूरा मतलब मिले करके, जो भी मतलब उसके बच्चे हैं बेचारे के, गरीब छोटे छोटे हैं बच्चे हैं, कहाँ से बेचारा करा करेगा, कहाँ से खाकर, यही कमाने खाना खाने वाले यही था। उसके घर में कोई नहीं है, दो बच्चे बेचारे के छोटे छोटे, वो छोटे छोटे बच्चे हैं। हाँ, रिपोर्ट करा दीजिए सर। ऊपर अभी रिपोर्ट अभी वहाँ नहीं, हमारा हमें वहाँ से टाइम नहीं मिल पाया, हमने भाई लोग एक्सीडेंट है, हमें वहाँ टाइम नहीं मिल पाया जाने का। हम अपने भाई के चक्कर में लगे रहे हॉस्पिटल में, कभी यहाँ लेके, कभी बरेली, कभी हल्द्वानी, जहाँ जहाँ हमने कहा हमारा भाई सही हो जाए, बच जाए तो बढ़िया रहेगा, अपने हमें बचाना बढ़िया रहेगा। इसकी जगह से हम वहाँ वहाँ नहीं जा पाए, तो क्या बतानी भगवान ने कोई सर बताए। आपका नाम क्या है? ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ न्यूज 9 भारत पर। अब चाहूंगी इजाजत, नमस्कार।